गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल रिगार्डिंग हेल्थ, जहाँ मैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत ढेर सारे वीडियोज़ बनाती हूँ जो आपके लिए थोड़े से भी हेल्पफुल हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइज, एक ऐसे ही सवाल मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि क्या आफ्टर कॉपर्टी इंसर्शन ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्टिविटी कॉपर्टी चुभती है या कॉपर्टी महसूस होती है। तो गाइज, आज मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक करिएगा, ढेर सारे लोग शेयर कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो करना बिल्कुल फ्री है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स Begin. तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं बता देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप कॉपर्टी इंसर्ट कराते हैं तो। बिल्कुल भी ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी आपको कॉपर्टी महसूस नहीं होगी, कॉपर्टी से आपके पार्टनर को कोई भी चोट नहीं लगेगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा एंड बिल्कुल भी गड़ती या चुभती नहीं है, क्योंकि जो कॉपर्टी होती है वो यूट्रस की वॉल पे फिटेड होती है और पेनिस का साइज इतना बड़ा नहीं होता है कि वो बिल्कुल यूट्रस की वॉल तक की पहुंच जाए। तो इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। हाँ, अगर थ्रेड वजाइना कैविटी के बिल्कुल नीचे की तरफ है तो वो विजिबल है, विजिबल होगा, बट आप पेनिस जो जाके अगर कॉपर्टी से चुभे या ऐसा कुछ नहीं होता है, या कॉपर्टी से लड़के इसको चोट लग जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा सर्विक्स है, फिर वजाइनल कैविटी है, फिर यूट्रस की वॉल है आती है, यूट्रस की वॉल काफ़ी लेंथ में होती है, उतनी ज़्यादा लेंथ का कोई भी पेनिस इतना बड़ा, मतलब मीन्स इतने लेंथ का पेनिस नहीं होता है जो बिल्कुल वजाइनल वॉल मीन्स यूट्रस की वॉल तक ही पहुँच जाए, क्योंकि यूट्रस की वॉल पर हम लोग कॉपर्टी फिक्स करते हैं या यूट्रस की वॉल है इस जगह पर। मान फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ये यूट्रस वॉल है, यहाँ पे कॉपर्टी फिटेड होती है और उसके बाद आपकी वजाइनल की पूरी कैविटी होती है, यूट्रस की कैविटी होती है, यूट्राइन वॉल होती है, उस पर लगा होता है, तो इतनी बड़ी लेंथ का नहीं होता है पेनिस की वहां तक की पहुंच पाए। तो डोंट वरी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी आपके पार्टनर को हार्म नहीं करेगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, विजिबल होता है बिकॉज ऑफ थ्रेड, विजिबिलिटी रहती है, हाँ विजिबल रहेगा बिकॉज ऑफ थ्रेड, उस दिख सकता है बट महसूस नहीं होता है, चुभता नहीं है, लगता नहीं है, उससे चोट भी नहीं लगती है। तो आप अपने माइंड से ये चीज निकाल दीजिए, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो स्पेस होती है, जो लेंथ होती है वो काफी थोड़ी दूर पे होती है एंड साइज डिफर करता है, मैटर करता है, पेनिस का साइज इतना बड़ा नहीं होता है जो वहां तक की पहुंच पाए जहाँ पे कॉपर्टी यूट्रस की वॉल पे लगी हुई है। सो डोंट वरी गाइज, आई होप मेरी आपकी वीडियो मेरी जो ये वीडियो है आपको समझ में आई हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई थिंक मेरी वीडियो आपको पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं कैसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।